फ्रेंड्स, कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए जनरली हम कैपेसिटर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। यदि स्पार्क ज़्यादा होता है तो हम कह सकते हैं हमारा कैपेसिटर ओके है, बट यदि स्पार्क वहाँ पर कम होता है तो हम कह सकते हैं हमारा कैपेसिटर या तो वीक हो गया है या फिर डैमेज है। और कैपेसिटर की टेस्टिंग मल्टीमीटर से किस तरह से की जाती है, यदि आपके पास ड्यूअल रन कैपेसिटर है जो कि एसी में लगाया जाता है, तो ड्यूअल रन कैपेसिटर की टेस्टिंग आप मल्टीमीटर के जरिए किस तरह से कर सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटर की टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देकर किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। उसके बाद कैपेसिटर टेस्टिंग आप मल्टीमीटर के जरिए किस तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्यूअल रन कैपेसिटर है, देखिए ड्यूअल रन कैपेसिटर में तीन टर्मिनल इस तरह से दिए जाते हैं, तो ड्यूअल रन कैपेसिटर की टेस्टिंग मल्टीमीटर के जरिए किस तरह से होगी वह भी हम समझेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे ड्यूअल रन कैपेसिटर है जिसमें एक कैपेसिटर 50 माइक्रोफेरेड का कंप्रेसर के लिए है और 4 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है वह फैन के लिए दिया गया है। सबसे पहले हम कैपेसिटर टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देकर किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। देखिए पावर सप्लाई के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। कैपेसिटर में करीब 2 सेकंड के लिए इस तरह से इसे चार्ज करना है, ठीक है। और इसे आपस में टच करने पर जब ये डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पर इसमें हाई स्पार्क आना चाहिए। यदि हाई स्पार्क आ रहा है तो हम कह सकते हैं हमारा कैपेसिटर ओके है, ठीक है। बट यदि वहाँ पर लो स्पार्क आ रहा है, देखिए कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, ठीक है, और यदि यहाँ पर इस तरह से लो स्पार्क आता है तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर हमारा वीक हो गया है। ये हमारा जनरल तरीका होता है। और किसी कैपेसिटर में हमारे पास वायर नहीं होते तो 2 वायर इस तरह से देखिए पावर सप्लाई के हम लेते हैं और कैपेसिटर को 2 सेकंड के लिए चार्ज किया। पावर सप्लाई को ऑफ करना है, देखिए सेफ्टी के साथ आपको काम करना है। और कैपेसिटर को इस तरह से देखिए स्पार्क हाई हुआ है तो हम कह सकते हैं हमारा कैपेसिटर ओके है, ठीक है। पावर सप्लाई को ऑन किया, ठीक है, इसे चार्ज किया 2 सेकंड के लिए। अभी पावर स्विच को ऑफ किया है, ठीक है। कैपेसिटर के टर्मिनलों को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। देखिए स्पार्क हाई आया है वायर से शॉर्ट करने पर तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर ओके है। तो ये तो हमारी जनरल मेथड होती है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से हम इसे चेक कर सकते हैं, पर आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर में आपके पास सबसे पहले इसमें इस तरह से कैपेसिटर का फंक्शन होना चाहिए, उसमें माइक्रोफेरेड का फंक्शन होना चाहिए। यदि आपके मल्टीमीटर में माइक्रोफेरेड का फंक्शन है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसे करीब आपको 5 से 10 सेकंड के लिए लगा कर रखना है तब आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है। हमने 5 सेकंड के लिए लगा के रखा, 15 माइक्रोफेरेड इसने शो किया। यह कैपेसिटर 15 माइक्रोफेरेड का है, यह भी 15 माइक्रोफेरेड का है, इसे हम चेक कर ले। करीब 5 सेकंड के लिए आपको लगा कर रखना है मल्टीमीटर प्रॉप को, ठीक है। 15 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है, प्लस माइनस 5% हो सकता है, अप्रोक्स 0.75 15 माइक्रोफेरेड का। देखिए यह कितना आ रहा है, 6.45 माइक्रोफेरेड, जबकि इसकी एक्चुअल रेंज कितनी है, 15 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यदि 14 माइक्रोफेरेड भी आता तो हम कह सकते थे कैपेसिटर ओके है, बट 6 माइक्रोफेरेड आ रहा दैट मीन्स ये कैपेसिटर हमारा वीक हो चुका है, ठीक है। अभी इस कैपेसिटर को देखते हैं, 10 माइक्रोफेरेड का है, प्लस माइनस 5% हम एज्यूम कर सकते हैं, 10.26। देखिए 10 माइक्रोफेरेड का है दैट मीन्स ये कैपेसिटर भी ओके है, प्लस माइनस 5% आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और ये शो कर रहा 1.2 माइक्रोफेरेड, दैट मीन्स यह कैपेसिटर भी हमारा वीक हो चुका है, ठीक है। यदि 3.5 माइक्रोफेरेड तक भी होता तो हम इसे यूज़ कर सकते थे, बट 1.2 माइक्रोफेरेड दैट मीन्स ये यूज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये 45 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 45 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को हम चेक कर रहे हैं, करीब 5 सेकंड के लिए आपको प्रोब लगा कर रखना है, 45.91%, ठीक है। 45 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दैट मीन्स यह भी ओके है, ठीक है। ये तो जनरल आइडिया हुआ सिंपल कैपेसिटर चेक करने का। ये हमारे पास ड्यूअल रन कैपेसिटर है जिसमें 3 टर्मिनल दिए जाते हैं, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को किस तरह से चेक किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको कॉमन टर्मिनल देखना है जिसमें 4 इस तरह से प्रोब कनेक्टर दिए गए हैं, कॉमन है। ये 2 कनेक्टर देखिए, ये कॉमन है, ये जिसमें 3 कनेक्टर दिए गए ये हर्न के लिए हैं और जिसमें 2 कनेक्टर दिए गए वो फैन के लिए हैं। तो चेक किस तरह से करना है, कॉमन पर मल्टीमीटर की एक प्रोब को लगाना है और हर्न पर, ठीक है। हर्न पर लगाया, यहाँ पर इसने 36 माइक्रोफेरेड शो करना था,
ठीक है, बट यहाँ पर नैनो फेरेड में वैल्यू आ रही है, ठीक है, नैनो फेरेड, दैट मीन्स इसका जो हॉर्न का कैपेसिटर है जो कि कंप्रेसर में लगता है यह वर्क नहीं कर रहा है। बट फैन का कैपेसिटर देखिए, कॉमन के साथ फैन को हमने चेक किया था 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, दैट मीन्स इसका जो फैन सेक्शन का कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का वह ओके है, कंप्रेसर का कैपेसिटर इसमें डैमेज हो चुका है या वीक हो चुका है। ठीक है, अभी हमारे पास अदर एक कैपेसिटर है, ठीक है, कॉमन पर एक प्रोब को लगाना है, ठीक है, और हॉर्न पर, ठीक है, कॉमन हमारा रेड दिया गया है, कॉमन हमारा येलो दिया गया है और हॉर्न पर यहाँ लगाना है, ठीक है, कॉमन से हॉर्न पर यहाँ पर अप्रोक्स 50 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है कॉम्प्रेसर के लिए, तो 50 माइक्रोफेरेड यहाँ शो करना चाहिए था, बट यह भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आप कॉमन से जो फैन का है जिसमें 2 कनेक्टर हैं, तो यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड आना चाहिए, देखिए 2 माइक्रोफेरेड भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये भी वर्क नहीं कर रहा है, इसमें कॉम्प्रेसर और फैन, ठीक है, यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड आना चाहिए था, दोनों ही वर्क नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स पूरी तरह से डैमेज है। अब ये हमारे पास थर्ड कैपेसिटर है, कॉमन के साथ हॉर्न पर लगाया है करीब 5 सेकंड के लिए, ठीक है, 5 से 10 सेकंड हो सकता है टाइम, तो यहाँ पर देखिए ये 51 माइक्रोफेरेड यहाँ पर शो करना चाहिए, ठीक है, 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है कॉम्प्रेसर के लिए, 51 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है, दैट मीन्स इसका कॉम्प्रेसर सेक्शन ओके है। अभी इसका फैन सेक्शन में 2 माइक्रोफेरेड, दैट मीन्स इसका फैन सेक्शन भी ओके है एंड कंप्रेसर सेक्शन भी ओके है, ठीक है, कॉमन के साथ फैन में भी वैल्यू आना चाहिए और कॉमन के साथ हॉर्न पर भी वैल्यू आना चाहिए। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, कैपेसिटर टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के जरिए किस तरह से की जाती है या मल्टीमीटर आपके पास अवेलेबल हो तो किस तरह से कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।